हम सब ब्रह्मांड हम सुन रहे हैं। जीव जब साधना में आगे बढ़ता है तो क्या क्या बाधक तत्व हैं उसको बाधना आ जाता है। महावीर की साधना का पूरा लक्ष्य पुरुषार्थ, जीव का अपना ही पुरुषार्थ काम करता और किसी का नहीं। आपने सुबह प्रभु की वाणी में सुना कि जीव अकेला, कोई माता पिता बहन भाई गुरु शिष्य, जीव को मोक्ष नहीं ले जा सकते। जीव अकेला ही पुरुषार्थ करेगा और जीव अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। एकत्व की भावना। महावीर और गौतम, कितना अनुराग था गौतम को महावीर से, पर महावीर गौतम को अपने साथ मोक्ष नहीं ले जा सके। हमें भी पुरुषार्थ अपना ही करना पड़ेगा, जीव को अपना ही। और पुरुषार्थ क्या है? जड़ और जीव का भेद करते हुए जीव अपने स्वभाव में स्थित हो जाए और जड़ का जो मोह है, जन्मों जन्मों की आसक्ति है जड़ की, सारे पाप दुनिया भर के इस जड़ के लिए, देह के लिए, व्यक्तित्व के लिए पोषण किया हमने, अनंत अनंत जन्म बिगाड़ दिए, सातों नरक गए, पशु पक्षी बने, त्रेंच गति में गए, मनुष्य बने और देव बने, केवल एक देह का मोह, देह के मोह को तोड़ो। देह आपको सुख देगा, सुख की चाहना छोड़ दो। सुख देह में है ही नहीं, सुख जीव में है, आत्मा में। हमें भ्रांति हो जाती है और जीव का सुख भीतर भरा पड़ा है, पर जब जीव देह की अपेक्षा करेगा, देह यानी कर्ता भोक्ता भाव, मैंने किया, मैं करूंगा, कराऊंगा, और अपने में स्थित हो जाएगा जीव और अक्रिय अवस्था आएगी, तो सुख भीतर भीतर प्रकटेगा। वो सुख दुनिया के किसी भी देह सुख से अधिक ही है, अधिक कम नहीं है। ये बहुत कम सुख है देह का सुख, और जीव का सुख अनंत है। उस सुख में तलाश करते हुए आप बस अपने में आ जाओ, अपने में स्थित हो जाओ, अपने को जानो, अपने पर भरोसा करो, अपने पर विश्वास करो, आगे बढ़ जाओगे। और जब जीव अपने को भूल जाता है तो देह में आलस आ जाता है, मन उसको घुमाता रहता है, नींद, मूर्छा, बेहोशी, तन्हा, ये सब मन के खेल है, बुद्धि के खेल है। इसलिए आलस्य को कम करो। भगवान महावीर का परम पुरुषार्थ। और दूसरा, हमने अहंकार के बारे में जाना। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अहंकार को छोड़ दो। तीसरा, अवज्ञा, अनादर भाव, गुरु जन्म का, देव गुरु धर्म का आदर मान रखो। आदर भाव कैसा है? जैसे दूध में जामन लगाते हैं तो दही बन जाता है। अवज्ञा कैसी है? कि तेजाब की भांति है, तेजाब दूध में डाला तो छलनी छलनी हो जाता है। तो गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति आदर का भाव, कृतज्ञता, अहोभाव, प्रभु आपकी वाणी मुझे मिल गई, पंचम काल में मुझे वाणी मिल गई, आपकी कितनी कृपा, कहाँ महाविदेह क्षेत्र, कहाँ यार, और वाणी देने वाले शासन देव कितना पुरुषार्थ कर रहे, वीतराक्षादिका निशा जी कितना श्रम कर रहे, उनके प्रति अनंत 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 कृतज्ञता भाव लाओ। अभिमान, अभिमान का हमने देखा रावण को अपने सोने की लंका का अभिमान था और काम वासना के कारण राम ने कहा चला गया। दुर्योधन को भी अपने कि मैं इस सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देना चाहता उसको। रावण और दुर्योधन की क्या गति हुई? अभिमान,
और विमान के लिए क्या चाहिए आपको? नमनता, झुक जाओ। इतना झुक जाओगे उतना बढ़ जाओगे, या अकड़े रहोगे और नीचे जाओगे। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। झूठी काया माया है, झूठी काया माया है, बादल जैसी छाया है, बादल जैसी छाया है। छाया हुई किसकी रानी, क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, प्रीति तोड़ के जाना है, प्रीति तोड़ के जाना है, भूल न जाना प्रभुवानी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। क्यों अभिमान आता है वो जाता है, आता है वो जाता है, फूल खिले मुरझाता, फूल खिले मुरझाता है, दुनिया है जानी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। केवल प्रभु गुण गा लेना, केवल प्रभु गुण गा लेना, जीवन सफल बना लेना, जीवन सफल बना लेना। दुनिया है आनिया, थोड़े दिन की है जिंदगानी, अभिमान करे प्राणी। मनुष्य ऐसे अभिमान करते हैं, चार दिन की जिंदगी, उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजों में कट गए, दो इंतजार में। चार दिन की जिंदगी में दो तमन्नाएं, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, उसकी पूर्ति के लिए चार दिन में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आई हयात आई, कजा ले चले चले, ना अपनी खुशी से आई ना अपनी खुशी से गए। हमारी कौन सी खुशी, कौन सी हमने चाहा था, मुझे माता पिता ऐसे मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, ऐसा परिवार मिल जाए, मैं इस धर्म में जन्म लूँ। तुम्हारा पूर्व कृत कर्म के अनुसार आपको गति मिलती है, योनि मिलती है, कुल परंपरा संस्कार, जो कुछ भी तुमने
बीज डाला है वही मिलता है। आप बीज किसके डालने, किसके बीज डालने हैं, कौन से बीज? सम्यक दर्शन, सत्य, जीवन में सत्य आए, और सत्य तुम्हारे पास है। सत्य क्या है? एक आत्मा, एक आत्मा, इसके अलावे को सत्य है? तीनों लोकों में, तीनों कालों में तुम चक्रवर्ती का पद पालो, 12 चक्रवर्ती, 10 चक्रवर्तियों ने आत्मा की साधना की और सिद्धशिला चले गए, और 2 चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त संभु वो दुनिया के पीछे लगे रहे, भौतिक चकाचांद में देह को साता मिले, देह को साता मिले, ये जीतूं वो जीतूं। 6 खंड जीतने के बाद 7वां खंड जीतने की कोशिश की, देवताओं ने कहा कि चक्रवर्ती के 6 खंड होते हैं, 7वां नहीं होता, मैं क्यों नहीं जीत सकता। गया, खत्म हो गया संभूप चक्रवर्ती। ये धन, पद, यश, प्रतिष्ठा ये व्यक्ति को धूमल कर देता है, और भगवान की वाणी कहती जीव को कुछ चाहिए नहीं, जीव आनंद में है, परम आनंद में हो। तुम जब अपने में स्थित हो जाते, केवल अपने में स्थित हो जाते, आनंद, मैत्री, प्रेम, करुणा बहता। महावीर के जीवन, गर्व कमाल का जीवन पड़ा, एक कर्म जो 99 लाख वर्ष पहले बांधा था, देखो कर्म कैसे आते हैं, एक ही कर्म बाकी था, बाकी पुण्य ही पुण्य था। राजा के घर जन्म मिले, ऐसा सुंदर शरीर पाया, गज सुकुमाल, गज जैसी काया कितनी सुकोमल होती, राजपाट भी मिल गया, छोड़ दिया, और एक ही रात्रि में कार्य सिद्ध कर, ये जीव का पराक्रम है, ये पुरुषार्थ। माना कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, पर थोड़े से शुरुआत करो, थोड़े से शुरुआत करो, दिन में 2 घंटे, 4 घंटे अपने लिए समय निकाल लो, 1/2 घंटे का कौशल करो, 1 घंटे का कौशल करो, देखो पीड़ा होती है, निश्चित होगी, उपवास करोगे, बेला करोगे, तेला करोगे, और आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, भयंकर वेदना होती, पारना करोगे और वेदना होती, पर उसमें समता में रहो, भेद कर दो, जड़ और जीव का भेद, ये वेदना मुझे नहीं हो रही, शरीर को हो रही, गस कमाल नहीं भाई, साधना की थी, ये जितनी वेदना ये जड़ को है, मुझे नहीं। अपने भीतर ध्यान कोष्ठक में चले जाते, अंतर में चले जाते, जीव को कष्ट नहीं हुआ, शरीर को हुआ, भयंकर पीड़ा हुई, पर व्यक्ति जब अपने में स्थित हो जाता है तो आत्मा को कुछ नहीं लगता। महावीर की साधना को देखो कितना किया था, एक रात्रि में संगम देव ने कितने उपसर्ग दिए, बिच्छू, चूहे, चींटियां, हाथी, सर्प, दोनों पांव के मध्य में अग्नि जलाई, भगवान अपने में स्थित थे, कुछ नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति, ऐसी साधना आएगी, तुम में भी आएगी, मुझ में भी आएगी, क्या करना? भरोसा, श्रद्धा, अटल श्रद्धा, अपने ते भरोसा कर बंदिया, अपने ते भरोसा कर बंदिया, कोई कुछ ना बिगाड़े, कदे पैर ना पवाड़े, जदो आमदी संभली होवे अख बंदिया, जदो रामदी संभली होवे अख बंदिया, चंदना ने परोसा कीता सी, चंदना ने परोसा मजी संग राज विच जद कुर लान लगी, मजी संग राज विच जद कुर लान लगी, ओनो भी पीर पर तख बने आए, हो वीर पर तख बने आ,
नीते परोसार प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यानंग नमो वज्जायानंग नमो लोय सत्साहुनंग धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तमो देवावितंग नमं संति जस धम्मे श्यामं श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसीशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स स्टेपल्स स्टेपल रिमूवर्स पेपर पंच गन टैकर टेप टूल न्यूमेटिक टूल इंडस्ट्रियल स्टेपल्स स्टिच वायर सीजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है जो कि अपने चार ब्रांड्स कोहे कंगारू म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।